दोस्तों स्वागत है हमारे गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर लूडो विक्टर आप लिए फिर में जो है आईडी हमारा बैन हो जा रहा है, ठीक है क्या प्रोसेस रहेगा आईडी को एक्टिवेट कराने का और फिर क्या प्रोसेस क्या करें कि जिससे हमारा आईडी ब्लॉक ना हो मतलब बैन ना हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज आपको उसी टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से थोड़ा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लूडो विक्टर एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर जो दोस्तों आप भी लूडो विक्टर एप्लीकेशन में इन सब तरह का गलती करते हो तो आपका आईडी बैन हो जाएगा। किस तरह से बैन होगा, क्या प्रोसेस रहता है मैं आपको बता देता हूँ और क्यों आपको बैन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, अगर जो आप कोई भी ठीक है सपोज आपने लूडो विक्टर एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और यहाँ पे वेलकम बोनस आपको पता ही है 10 रुपीज मिल रहा है। 10 रुपीज मिलने के बाद अगर जो आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप जिससे सपोज आपने मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किया और आपका मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट में आप सारे बैलेंस जीत रहे हैं 10 रुपये का बोनस लेके और 10 रुपये का मैच स्टार्ट करके उस तरह का पैसा आप जो ले रहे हैं जीत रहे हैं और जीतने के बाद अगर आप विड्रॉल लगा रहे हैं तो यार कंपनी जो है इस चीज़ को चेक करती है। और अगर जो आप ऐसा नहीं करते हैं ठीक है, अगर जो आप ये चीज़ नहीं करते हैं कि जो है मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने के बाद मल्टीपल अकाउंट से पैसा निकालते हैं और सपोज आपने एक अकाउंट बनाया फिर दूसरा अकाउंट बनाया फिर तीसरा अकाउंट बनाया, ठीक है दो अकाउंट बनाने के बाद आप जो उसमें 10 रुपीज का बोनस मिला है वो इसमें आप जीत के सपोज आप दूसरे वाले अकाउंट में जीत के रख ले रहे हैं फिर एक और आईडी बना रहे हैं फिर उससे प्रूफ कर रहे हैं कि मैच ला के तुरंत पैसा जीत के अपने मेन अकाउंट में रख ले रहे हैं, तो ऐसा करने पर आपका अकाउंट बैन हो सकता है और आप जब भी विड्रॉल मारेंगे ना तो विड्रॉल आपका रिजेक्ट होकर आपका आईडी इनिशिएट बैन कर दिया जाएगा, ठीक है ये होता है प्रोसेस। और ये आप इस तरफ से आपको किस तरह बचना है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं, मैं इसी जानता हूँ ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को खुद भी पता होगा बहुत सारे लोग चीटिंग भी करते हैं। जिस भी एप्लीकेशन में 10 रुपये का वेलकम बोनस और 10 रुपये का गेम स्टार्टिंग मैच होता है वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्या करते हैं कि मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको ज्वाइन करा के पैसे को जीत कर डायरेक्ट पेटीएम में या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो आपको खिलवा रही है आपको 10 रुपये फ्री में दे रही है और 10 रुपये का स्टार्टिंग मैच भी दे रही है तो कोई पागल नहीं होगा, ठीक है सब लोग अच्छे से चेक करते हैं। और आपका आपको मैं बता दूं कि आपका डिवाइस आईडी और फिर डिवाइस नेम IMEI नंबर ये सारे का सारा चीज़ उनके पास चला जाता है जब भी आप एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तब, ठीक है। तो आपको इससे पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर जो आप चीट करते हैं तो दोस्तों आपको पैसा नहीं मिलेगा। और इसके बाद मुझे कमेंट ये चीज़ मत करना है कि मेरा आईडी बैन हो गया प्लीज़ एक्टिवेट करा दो। देखो मैं क्या है मेरा डैड उनके प्रमोशनल जो मैनेजर है उनसे मेरी बात होती है वो लोग मुझे सजेस्ट करते हैं वो लोग मुझे बताते हैं और आप लोग जो बताते हो इसके बाद में मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है मैं उनसे क्लियर करता हूँ कि क्यों ऐसा होता है क्यों नहीं होता है वो लोग बताते हैं उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये कि आपको फारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। बाकी दोस्तों किसी भी तरह का और भी इशू है तो कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।